हेलो दोस्तों, डाउट सॉल्विंग सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज का वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट है। एग्ज़ाम के पहले आप लोग अपने डाउट्स पूरे के पूरे सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट है मुझे बता दीजिएगा, इस दौरान मैं आप लोगों के डाउट सारे के सारे ले लूँगा। ठीक है, कुछ डाउट्स हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, मैं स्टार्ट वहाँ से कर रहा हूँ। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स इनटेंजिबल, और कोशिश कीजिएगा आप जो मुझे डाउट्स बता रहे हैं वो सारे के सारे डाउट्स आप मुझे ICI मॉड्यूल से ही बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ICI मॉड्यूल ही पूरी की पूरी डाउनलोडेड पड़ी है। इसीलिए अगर MTP RTP के डाउट्स हैं तो मुझे बस भेज दीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सअप कभी भी कर सकते हैं ये सारे के सारे डाउट्स, 8600364185। मैं कल और परसों फिर डाउट सॉल्विंग सेशन लूंगा, वहां पे भी मैं इसे पूरा का पूरा रिजॉल्व करा दूंगा। ठीक है, जो भी होगा आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के डाउट्स में। चलिए आइए, पहला वाला सवाल जो एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, और भी आप लोगों के डाउट है मुझे चैट में भेजते चले जाइए, सेशन लाइव है। ठीक है, जो भी डाउट होंगे मुझे पूरे के पूरे पूछ लीजिए, मैं पूरे के पूरे आप लोगों के रिजॉल्व करके दे दूंगा। सन लिमिटेड अक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम अर्थ लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर अ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। द टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस इज कैरीड एट ₹5 लाख इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड। द सॉफ्टवेयर इज कैरीड एट ₹10,000 इन द बुक्स ऑफ अर्थ लिमिटेड विच इज नॉट द फेयर वैल्यू। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है सन लिमिटेड के बुक्स में टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस का। मैं एक छोटी सी डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। जी हाँ जी, नहीं, ओल्ड सिलेबस का ये वाला नहीं है, ये न्यू सिलेबस का ही पूरा डाउट सॉल्विंग सेशन है। ओल्ड सिलेबस के लिए आपके जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, 8600364185। ठीक है दिशिका जी, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपका वाला क्वेश्चन ले लूंगा, पहले मुझे ये वाला क्वेश्चन कर लेने दीजिए। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है मैं पहले वो ले लेता हूँ। ₹5 लाख का कैरिंग अमाउंट है टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का सन लिमिटेड के पास। ठीक है, सन लिमिटेड के पास टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है, ₹5 लाख उसका कैरिंग अमाउंट है। फिर उसके बाद में आपको दिया हुआ है ₹10,000 सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट है अर्थ लिमिटेड के पास। अर्थ लिमिटेड के पास है सॉफ्टवेयर जिसका कैरिंग अमाउंट है ₹10,000। फिर उसके बाद में आपको बताया गया है कि फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर है ₹5,20,000, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का 5 लाख, सॉफ्टवेयर का फेयर वैल्यू ₹5,20,000। क्वेश्चन नंबर 15, INDAS 33। गजेंद्र जी बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपका क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मुझे पहले कर लेने दीजिए। फेयर वैल्यू दिया हुआ है इसका 5 लाख। ओके, अब एक रूल याद रखिए, कभी भी आप अकाउंट करते हैं एट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, कभी भी सिंपल फंड है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप आपको दिया हुआ है, जैसे सन की बात करूं तो 5 लाख। सन को क्या मिल रहा है? सन को मिल रहा है सॉफ्टवेयर, सन को मिल रहा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, FR ओल्ड सिलेबस इंडियस थियरी क्वेश्चंस गिव इंपॉर्टेंट फॉर Jan 2021। सौम्या जी, अपन ने 5 वीडियोस लिए थे इंड AS वर्सेस INDAS वाले, तो वो 5 वीडियोस रफली 5 घंटे के थे, उसमें अपन ने पूरा का पूरा कंटेंट कवर करके दिया था, 5 वीडियोस पूरे के पूरे उसी से रिलेटेड थे। ठीक है सर, डाउट सॉल्विंग सेशन यूट्यूब पे ही होगा? हाँ यूट्यूब पे ही होगा सौरभ जी, प्लस मैंने नंबर दे के रखा है, व्हाट्सअप कर लीजिए। बाय चांस मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं नेक्स्ट डे यूट्यूब सेशन पे पक्का लूंगा। अभी 3 दिन अपन रोज डाउट सॉल्विंग के लाएंगे, आज भी, कल भी, उसके बाद वाले दिन भी। ठीक है चलो। हाँ तो भाई, पहले मैं यहां बता देता हूँ, सन लिमिटेड को मिल रहा है क्या? सॉफ्टवेयर। और अर्थ को क्या मिल रहा है? टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। सन फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप पे अकाउंटिंग करेगा, गिवन अप। तो गिवन अप उसके लिए क्या है? गिवन अप है उसके लिए टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जिसका फेयर वैल्यू 5 लाख है, तो सन 5 लाख पे अकाउंट करेगा, 5 लाख पे। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे यहां पे, यहां पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर डेबिट 5 लाख टू टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का फेयर वैल्यू भी 5 लाख ही है। अगर मैं अर्थ लिमिटेड की बात करूं तो अर्थ लिमिटेड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप 5,20,000 है, तो वो रिकॉर्ड करेगा टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस रिकॉर्ड होगा 5.2 लाख पे टू सॉफ्टवेयर जो उनके बुक्स में 10,000 का दिख रहा है, बाकी का अमाउंट आपके PL में चला जाएगा 5.1 लाख। ठीक है, ये हुआ आपका पहला केस। उसके बाद आपको बोला गया है, हाँ बस हिमांशु जी 2 मिनट रुक जाइए, फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर मेजरेबल नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस
इज ट्रांजैक्टेड बाय अनदर कंपनी एट 4,90,000, तो 4,90,000 रुपीज पे अकाउंट होना चाहिए सॉफ्टवेयर आपकी बुक्स में, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर गिवन अप आपको पता है 4,90,000। अब ये 4.9 दिया है तो 4.9 पे अकाउंट करेंगे, ठीक है, 4.9 पे अकाउंट करेंगे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सामने वाले के लिए, तो सामने वाला अकाउंट करेगा एट 490। अगर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप नहीं पता तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड देखा जाता है, ठीक है। अगर नहीं पता, रिलायबली मेजरेबल नहीं है दोनों में से कुछ भी, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप। कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप की बात करूं तो सन के लिए कैरिंग अमाउंट है 5,00,000, वो सॉफ्टवेयर 5,00,000 पे रिकॉर्ड करेगा, और अर्थ लिमिटेड 10,000 पे, ठीक है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। स्वाति जी का कहना है कमर्शियल सब्सटेंस कैसे चेक करते हैं। स्वाति जी, एग्जाम में आपको कोई ये नहीं पूछेगा कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, हमेशा अज्यूम कर लीजिए कि कमर्शियल सब्सटेंस है, या फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, उसके डेफिनेशन के ऊपर अभी इतना दिमाग मत लगाइए, वो इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आनंद जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो मुझे इलस्ट्रेशन से देखना है या टेस्ट योर नॉलेज मुझे वो बता दीजिएगा, मैं ओपन कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वेश्चन नंबर 6 आप बोल रहे थे, मैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, एन एंटिटी इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट विद डीकमिशनिंग लायबिलिटी का क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिया भी आप लोगों को, थियरी भी लिखते हैं ना, एक बार थियरी समझा दीजिए, ठीक है स्वाति जी, बस थोड़ी देर, मेरे पास जितनी लिस्ट है मैं एक बार लिस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको थियरी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास एक एसेट है जो आपकी बुक्स में दिख रहा है, और उसके ऊपर डीकमिशनिंग लायबिलिटी है। डीकमिशनिंग लायबिलिटी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है 10,000 रुपए की, ठीक है। इंक्लूडेड इज द अमाउंट ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी 10,000 रुपीज, जो कि 70,400 का प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू आपने 5% के रेट से लिया है। आपके बुक्स में एसेट 1,20,000 का दिख रहा है, कैरिंग अमाउंट 1,20,000, इसमें डीकमिशनिंग लायबिलिटी दिख रही है 10,000 रुपीज की। अब इसमें आपको बोला गया है कि आरटीपी नवंबर 20। स्वप्निल जी, आरटीपी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं मैं कल सॉल्व करवा के दे दूंगा आप लोगों को। अभी मेरे पास आईसीआई मॉड्यूल पूरा है, आईसीआई मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिएगा। यहां पे आपको बोला गया है लाइफ 40 ईयर्स, यहां पे रेसिडुअल वैल्यू नहीं दी है, तो मैं सिंपली डिप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा 12,000 रुपए का आपका 40,000 के हिसाब से डिप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो 1,20,000 पे 40 साल, 3,000 रुपए का आपका डिप्रिसिएशन होता है, तो 3,000 रुपए पर एनम का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। यहाँ पे अज्यूम मार्केट बेस कैश फ्लो का वैल्यू है 1,15,000 31 मार्च 2004, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के मैं जाऊं तो 3 साल होते हैं, 3 साल बाद की आपको वैल्यू दी हुई है, 3 साल का डिप्रिसिएशन हम यहाँ पे चार्ज कर लेंगे। मैं 3 साल की बात करूं तो 9,000 रुपए का डिप्रिसिएशन हो गया आपका, यानी एसेट आपके बुक्स में 1,11,000 रुपए का दिख रहा है, ठीक है। अब ये 1,11,000 रुपए का लायबिलिटी, अब डीकमिशनिंग लायबिलिटी में भी आपने इंटरेस्ट दिखा दिया होगा, 10,000 रुपए पे 5% हो गया 500, हो गया 10,500 पहले साल का, 10,500 पे 5% दूसरे साल आपने 525 का इंटरेस्ट दिखाया होगा, दोनों मिला के हो गया 11,025। तीसरे साल का इंटरेस्ट इस अमाउंट पे आपने 5% दिखाया होगा 551, तो 11,025 प्लस 551 मिला के हो जाएगा 11,576, ठीक है। तो अपने बुक्स में इतना अमाउंट दिख रहा होगा, अपने बुक्स के अंदर में इतना अमाउंट दिख रहा होगा, इंटरेस्ट का एक्सपेंस अपन ने बुक कर लिया है इन 3 सालों में, टोटल इतना 11,576 पे अपना दिख रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट। अब इसके बाद में क्या हुआ, आपको बताया गया है कि डीकमिशनिंग लायबिलिटी 11,600 दिख रही है, हमने 11,576 निकाला, 124 रुपीज इंस्टीट्यूट ने ज्यादा पकड़ा है, अपन उसको भी इंटरेस्ट में लेके यहाँ पे 11,600 कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए स्वाति जी, मैं ये क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला है कि ये एसेट तो अपने बुक्स में ठीक है 1,11,000 रुपए का ही दिख रहा था, इस पॉइंट पे आप बोल रहे हो कि कैश फ्लो की जो फेयर वैल्यू है एसेट की वो है 1,15,000 रुपए। अब आप रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते समय हम लोग क्या करते हैं कि एसेट को फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं, एंड वी अज्यूम कि यहाँ पे जो 1,15,000 रुपए आपको दिए हुए हैं। ऋषिका जी एक मिनट रुक जाइए, मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने दीजिए। अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का लॉजिक क्या होता है, अच्छा आप इसी क्वेश्चन से पूछ रहे हैं। देखिए अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि आपने तो 70,400 की लायबिलिटी इनकर करना है 40 साल बाद, 40 इयर्स के बाद आपके ऊपर जो लायबिलिटी आने वाली है वो लायबिलिटी आने वाली है 70,400, बट यू आर शोइंग इट एट 10,000। 40 इयर्स बाद लायबिलिटी मेरे बुक्स में तो 7,400 दिखना चाहिए ना,
10,000 तो गलत होगा दिखाना, इसीलिए वो बोल रहा है आपको कि आप इंटरेस्ट आपने डिस्काउंट करके 70 से 10,000 पे लाया, अब आप उसको अनवाइंड करना शुरू कीजिए, धीरे 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 7,400 पे लेके चल जाइए। अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे ना यहाँ पे ऋषिका जी, तो कंपाउंडिंग होके वो उतना ही अमाउंट बन जाएगा। चलिए मूविंग अहेड, यहाँ पे आपका इतना अमाउंट दिख रहा है, तब आप बोल रहे हो कि जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है 1,15,000, बट 1,15,000 रुपये नेट है, पढ़िए ध्यान से, वहां पे लिखा है 1,15,000 रुपये नेट है आफ्टर कंसिडरिंग डी कमिश्निंग लाइबिलिटी, आफ्टर डिडक्शन ऑफ डी कमिश्निंग लाइबिलिटी। इंड एएस बोलता है कि अगर डी कमिश्निंग लाइबिलिटी ऑलरेडी आपके बुक्स में अकाउंटेड है, जो कि अकाउंटेड है 11,600 पे, तो अगर आप फेयर वैल्यू लेते समय भी उसको रिड्यूस कर देंगे, तो आपने एक ही चीज का डबल अकाउंटिंग ले लिया, एक तो लाइबिलिटी दिखा दिया और फेयर वैल्यू दिखाते समय भी डिडक्ट कर दिया। ऐसा मत कीजिए, फेयर वैल्यू लेते समय इसमें डीकमिशनिंग लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं करना है, नहीं करना है। तो हम 1,15,000 में 11,600 ऐड कर देते हैं, डेट मेक्स इट 126,600। तो मैं बोलूंगा फेयर वैल्यू है 126,600 उस एसेट की जिसका कैरिंग अमाउंट मेरे बुक्स में 1,11,000 है, तो दोनों का डिफरेंस मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस हो जाता है। ओके, मैं हटा ही देता हूँ ये पूरा का पूरा। तो मेरे बुक्स में रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा 15,600 का, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आपको बोलता है 31 मार्च 2005 और एक साल के बाद आपकी जो डीकमिशनिंग लाइबिलिटी वो रिड्यूस हो गई 5,000 से। अब मेरा जो एसेट है वो दिख रहा है फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे दिखते समय मैंने डीकमिशनिंग लाइबिलिटी कंसिडर ही नहीं की है। अभी आप इस लॉजिक से समझे होंगे ना, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, आपको डिटेल में चाहिए तो अपन ने इसका एक स्पेसिफिक वीडियो डाल के रखा है डी कमिशनिंग लाइबिलिटी नाम से। तो अगर आप यहाँ पे 126,600 की बात करेंगे, तो 126,600 के अंदर में आपने तो डी कमिशनिंग लाइबिलिटी कंसिडर ही नहीं किया था, तो इफ इट इज रिड्यूस्ड तो एसेट की वैल्यू से रिड्यूस भी नहीं होना चाहिए वो। लॉजिकली आपने सिर्फ कैश इनफ्लोज पकड़ा, आउटफ्लो पकड़ा ही नहीं ना, ये 126,600 इज जस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, तभी फेयर वैल्यू आया, बराबर, आउटफ्लो लिया ही नहीं है। तो 5,000 रुपये से आपकी जो लाइबिलिटी कम हुई है, ठीक है, मैं इंटरेस्ट ऐड नहीं कर रहा, 5,000 से आपकी जो लाइबिलिटी कम हुई है वो 5,000 रुपये का इम्पैक्ट हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेते हैं, ये इसका लॉजिक है, ये इसका लॉजिक है। इसके अलावा आगे फर्दर उन्होंने और रिड्यूस किया है 1,07,000, आप इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने कंसेप्ट आपको समझाया, ठीक है, ये वहां से ले लेंगे। आई होप अब ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला डाउट हमारा ऋषिका जी, आई होप ऋषिका जी अभी भी इसमें डाउट होगा तो मुझे बता देना एक बार। गजेंद्र जी का कहना था इंडिया 33 क्वेश्चन नंबर 15। चलिए गजेंद्र जी, मैं इंडिया 33 ओपन कर देता हूँ। ऋषिका जी अभी भी डाउट होगा तो बता देना, एग्जाम आप लोगों का है, मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन किया है। मैं जरा इंडिया 33 ढूंढ लेता हूँ, रुक जाइए, अर्निंग पर शेयर। ओके, स्वाति जी का कहना है सर हम इसमें 5,000 लेस क्यों करेंगे पीपीई से इफ कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल है तो आप जब पीपीई दिखा रहे थे स्वाति जी, तो आपने पीपीई की वैल्यू कैसे निकाली, डीकमिशनिंग लाइबिलिटी को भी पीपीई में ऐड किया था। इफ यू रिमेंबर कॉस्ट मॉडल में होता क्या है, कॉस्ट मॉडल में आप डीकमिशनिंग लाइबिलिटी को पीपीई में ही ऐड करते हैं, तो अगर वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो पीपीई से ही रिड्यूस होगा, और रादर इंक्रीज हो रही है तो पीपीई में ही इंक्रीज होगा, दोनों दोनों केस पीपीई में ही इंपैक्ट लेते हैं, ठीक है स्वाति जी। चलिए आपका क्वेश्चन इंड एएस 33 का 15 नंबर का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 15। चलिए मैं इलस्ट्रेशन 15 पे आता हूं फटाफट। फिफ्टींथ क्वेश्चन बोलता है देर आर टू क्लास ऑफ शेयर्स, एक है 5,000 नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और एक है 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। चलिए, प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर देन पेड इन विच द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट पार्टिसिपेट, ईच प्रेफरेंस शेयर देन पार्टिसिपेट्स इन एडिशनल, ये पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज एट द रेट ऑफ 50% ऑफ एडिशनल डिविडेंड पेबल ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड में पार्टिसिपेट कर सकता है अबव 2 रुपीज, यानी 2 रुपए तक का डिविडेंड आपने इक्विटी शेयर होल्डर को दिया कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 रुपए दे दिया अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी एक्स्ट्रा डिविडेंड देना पड़ेगा, 2 रुपए के ऊपर कुछ भी दिया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा, 50% ऑफ एडिशनल डिविडेंड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स।
बराबर है। अब प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का और डिविडेंड 2 रुपए पर शेयर डिक्लेयर किया गया है ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर्स के लिए। एंटिटी का प्रॉफिट फॉर द ईयर है 1 लाख रुपए प्रॉफिट, इट इज नॉट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, प्रॉफिट 1 लाख रुपए। अब चलिए, अगर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो ईपीएस 2 निकलते हैं, ये याद रखिए, एक इक्विटी वालों के लिए, एक प्रेफरेंस वालों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग निकलेगा। ठीक है स्वाति जी, मुझे क्वेश्चन नंबर भेज दीजिएगा। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। प्रॉफिट है आपका 1 लाख रुपए, प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में अपन क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कि प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को अगर आप डिविडेंड देंगे तो कितना डिविडेंड होगा। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर का डिविडेंड यहां पे आपको दिया हुआ है 5 रुपए पर शेयर और 5,000 शेयर्स है, 5 रुपए पर शेयर और 5,000, यानी 25,000 का तो उनका नॉर्मल डिविडेंड हुआ, बराबर है। फिर बात करते हैं इक्विटी वालों के नॉर्मल डिविडेंड की। इक्विटी वालों का नॉर्मल डिविडेंड है 10,000, हर एक पे 2 रुपए, हर एक पे 2 रुपए। ठीक है, प्लीज डू ईपीएस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए थोड़ी देर रुक जाइए। 2 रुपए के हिसाब से ये हो गया 20,000 रुपए, तो यहां तक 45,000 हो गया, 55,000 बचा है। अब अगर ये 55,000 में से मैं ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड दूंगा तो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को भी डिविडेंड देना पड़ेगा, दोनों का प्रेफरेंस डिविडेंड बनेगा। तो चलिए अब इन दोनों के प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हम लोगों को कैसे करना है इसको समझिए। फॉर लेट्स स्प्लिट, इक्विटी है 10,000 और प्रेफरेंस शेयर्स है 5,000, बराबर। इक्विटी 10,000 है, प्रेफरेंस 5,000 है, इनको हर 1 रुपए के डिविडेंड के बदले इनको 0.5 देना पड़ेगा, ये रेशियो है, ये रेशियो है, हर 1 रुपए के बदले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को 0.5 का डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वेटेड एवरेज निकाल देता हूं। वेटेड एवरेज हो रहा है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10,000 इज टू 2,500, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 10,000 इज टू 2,500, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेट्स में अब मैं 55,000 को बांटूंगा, यानी कि 55,000 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 55,000 डिवाइडेड बाय 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 विच इज 44,000, और यहां पे आ रहा है 11,000। देखिए समझाता हूं, इसको अपन 10,000 से डिवाइड करते हैं तो होता है 4.4, इसको अगर मैं 5,000 से डिवाइड कर दूं तो ये होता है 2.2। हर 1 रुपए के डिविडेंड के बदले इनको 50 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। ये अपन दे नहीं रहे हैं, ये उनका राइट है, दे नहीं रहे हैं, ये उनका राइट है। आरटीपी एमटीपी के रिलेटेड डाउट कल ले लेंगे। स्वप्निल जी मुझे डाउट्स एडवांस में भेज देना, मैं सारे आरटीपी एमटीपी वैसे ओपन रखूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी वैसे। ठीक है, आई थिंक वीडियो डिले हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं ये जरा सेट कर देता हूँ, वीडियो बफर कर रहा है शायद से, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो आई होप यहां तक आप लोग समझ गए। तो अब यहां पे आप लोगों को बेसिकली करना क्या है, अब यहां पे आपको ये आपने बांट दिया, अब मैं यहां पे इक्विटी और प्रेफरेंस लिख देता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000 और इनके आ जाते हैं 5,000, इनका जो प्रॉफिट है ये बन रहा है, पहले मैं डिविडेंड निकाल देता हूं, डिविडेंड इनका निकलता है 25,000, इनका निकलता है, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, 20,000, इनका निकलता है 10,000। अब मैं नॉन डिविडेंड आइटम्स की बात करता हूँ, नॉन डिविडेंड में हम लोगों ने निकाला इनका शेयर 44,000 और इनका शेयर 11,000, 25, 20, नहीं इनका शेयर 25,000, तो ये टोटल हो रहा है 36,000 और ये टोटल हो रहा है 64,000। ठीक है, बस ये आपको बताना है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, ईपीएस इनका हो गया 6.4 और इनका हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 7.2। ठीक है, फॉरेन डेटर एंड डेरिवेटिव विल बी अकाउंटेड इन अकॉर्डेंस विद AS 11 और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ओल्ड सिलेबस। नारायण जी, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है आपको उसके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन AS 11 का है तो उसके हिसाब से करना है, डेरिवेटिव है तो गाइडेंस नोट ऑन डेरिवेटिव के हिसाब से करना है, इंड AS का क्वेश्चन बोल रहा है तो इंड AS के हिसाब से करना है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर के कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
ईपीएस कैलकुलेशन। सुप्रीम जी आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा वो किसका पूछा है आपने, मुझे समझा नहीं, इलस्ट्रेशंस या टेस्ट योर नॉलेज? मैं टेस्ट योर नॉलेज ले लेता हूं। मुझे बता दीजिएगा सुप्रीम जी आपका पॉइंट जो है वो किसका था, ईपीएस पॉइंट ऑफ इंडेस 103, आपका 103 का है सुप्रीम जी। ओके, स्वाति जी का कहना है इलस्ट्रेशन 1 ईपीएस एसएम। चलिए इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाते हैं, ढूंढता हूं मैं इलस्ट्रेशन 1 कहां पे आपका। ओके, एबीसी लिमिटेड है 9% प्रेफरेंस शेयर, फेयर वैल्यू 10 ईच, टोटल वैल्यू ऑफ इशू है ₹10 लाख। द शेयर्स वर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड विल बी रिडीम्ड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। द शेयर्स वर टू बी रिडीम्ड एट द रेट ऑफ 11 ईच, तो एंड में ₹11 के हिसाब से रिडीम होने वाले हैं। इसमें ईपीएस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है आपको। एट द एंड ऑफ ईयर 3 31st मार्च कंपनी फाइंड दैट इट हैज अर्न गुड रिटर्न्स, और उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स को अर्ली रिडीम कर दिया। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, अपन उससे बेटर आंसर की तरफ देखते हैं। होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, यहाँ पे आप IRR निकालते हैं, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। अच्छा ये नहीं है स्वाति जी, आपने तो इलस्ट्रेशन 1 ही लिखा ना ऑफ ईपीएस। ठीक है मैं एक मिनट, बीच में हिमांशु जी का इंडेस 36 का इलस्ट्रेशन 25 है, मैं उस पर आ जाता हूँ। आप लोग तब तक मुझे एक बार रिप्लाई कर दीजिए अगला कौन सा लेना है, मैं तब तक जरा सा इलस्ट्रेशन 25 सन लिमिटेड इलस्ट्रेशन 25 सन लिमिटेड इंडिया 36 इंपेयरमेंट। इलस्ट्रेशन है आपका 25, चलिए फटाफट ओपन कर देता हूं मैं 25। इलस्ट्रेशन 25 तो है ही नहीं हिमांशु जी, क्या कर रहे हैं? और क्या क्या था मुझे एक बार वापस रिपीट कर दीजिए, जो लोग साथ साथ में हैं प्लीज बता दीजिए कौन कौन सा हम लोगों को लेना है। आपका कहना है पेज नंबर 11.36, चलो ठीक है पेज नंबर 11.36 पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप शायद पुरानी बुक से देख रहे हैं, मैं नया स्टडी मटेरियल ओपन करके बैठा हूँ इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। नवंबर 20 एसएम मेरे पास नहीं है स्वाति जी, मेरे पास अभी नया वाला मैंने पूरा डाउनलोड करके रखा है, दिक्कत ये है। ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए डाउट। प्लीज टेल अबाउट मॉडिफिकेशन लायबिलिटी लेस देन 10%, श्रीकांत जी का कहना है। चलिए श्रीकांत जी मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, मॉडिफिकेशन लायबिलिटी का कंसेप्ट आप अगर पेज नंबर बता देंगे श्रीकांत जी तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। उनका कहना है आप सिर्फ लॉजिक जानना चाहते हैं कि 10% के पीछे का लॉजिक क्या है। 10% मतलब मटेरियलिटी होता है, आपने अगर टर्म्स मॉडिफाई किए, ठीक है आपने टर्म्स अगर मॉडिफाई किए तो बेसिकली होता क्या है, हम लोग लायबिलिटी को रिकैलकुलेट करते हैं ये देखने के लिए कि अभी भी क्या लायबिलिटी उतनी की उतनी है क्या पुराने टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है जैसे सपोज करो कि पहले लायबिलिटी थी 1 लाख रुपीज पर एनम लौटाना है 5 साल के लिए, जब आपने वो निकाला था तो 11% का लेट से मार्केट रेट था, तो आपने 11% से डिस्काउंट करके इस अमाउंट को लिख दिया होगा। मैं एक बार एक रफ आइडिया देता हूँ, एन्यूटी फैक्टर 1 लाख रुपये 11%, ठीक है 1 लाख रुपये 11%, 1 डिवाइडेड बाय 1.11, 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, 3,69,590। आपने इतने में लायबिलिटी को दिखा दिया होगा अपने बुक्स के अंदर में। अब हुआ क्या, जब इसी पॉइंट पे लेट से इसी पॉइंट पे आप मॉडिफाई कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं अब 80,000 रुपये पे करेंगे 7 साल के लिए, 80,000 रुपये पे करेंगे 7 साल के लिए, लेट से मार्केट रेट रिवाइज हो गया 10% हो गया। हमने इसकी अकाउंटिंग अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से की थी। हम देख रहे हैं कि आपने जो रिकैल मतलब जो नए टर्म्स आपने निकाले 80,000 सात साल देने के लिए, इसमें और पुराने कैश फ्लो के टर्म्स ऑलमोस्ट सेम है, अलग है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिकैलकुलेट दिस प्रेजेंट वैल्यू।
हम इसका प्रेजेंट वैल्यू वापस कैलकुलेट करेंगे पर पुराने रेट से ही करेंगे। पुराना रेट 11% था, भले ही मार्केट रेट 10 है, हम पुराने रेट से ही कर रहे हैं टू सी वेदर टर्म्स हैव चेंज ड्रास्टिकली और द टर्म्स आर सेम 7 ईयर्स। तो ये हो जाएगा सन लिमिटेड इलस्ट्रेशन 21 इन न्यू वन। ओके शिव जी, बस ये करने के बाद में मैं वो उठा लेता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.0 1.11। तो ये हो रहा है आपका 376,976। अब अगर मैं इसके कंपैरिजन में देखूं कि भाई पहले के हिसाब से तो मुझे 369,000 मिलने थे, अब 376,000 मिल रहे हैं रफली। अगर मैं डिफरेंस देखूं 376,000 और 369,000 का, 7,000 रुपये का फर्क आ रहा है। अब जो 7,000 रुपये का फर्क है, मैं बोलूंगा बहुत मटेरियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, कैश फ्लो ऑलमोस्ट सेम है। अब ये ऑलमोस्ट सेम का क्या मतलब होता है? अगर कैश फ्लो में डिफरेंस 10% तक ही है तो हम बोलते हैं कैश फ्लो ऑलमोस्ट सेम है। That is why हम ये मानते हैं कि लोन मॉडिफाई हुआ है, अकाउंटिंग जैसी चल रही है चलने दो, जैसी चल रही है चलने दो, सिर्फ अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बदल दो, सिर्फ अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बदल दो, समझ गए? EIR जो आप पहले 11% से अकाउंट कर रहे थे वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। पर वहीं पे अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि अगर ये डिफरेंस 10% से ज़्यादा है तो बॉस आपके सिर्फ टर्म्स मॉडिफाई नहीं हुए हैं, आपका एक तरह से पूरा लोन ही रिस्ट्रक्चर हो गया, तो पुराना लोन डीरिकग्नाइज करके नया लोन रिकग्नाइज कर। तो ये उसका लॉजिक है। इफ यू वॉन्ट सम मोर मेरे को क्वेश्चन नंबर भेज देना, मैं क्वेश्चन नंबर बता दूंगा। आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 21 है, ये रहा नीचे इलस्ट्रेशन 21। सन लिमिटेड एंटिटी हैज वेरियस सब्सिडियरी, द एंटिटी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी ईयर एंडिंग 31st March। ठीक है, हाँ स्वाति जी रुक जाइए। 1st July सन लिमिटेड अक्वायर्ड 80% इंटरेस्ट इन प्लूटो लिमिटेड। 80% इंटरेस्ट आपने अक्वायर किया, उसके लिए आपने 8 लाख दिए हैं। ठीक है, हाँ रुक जाइए गजेंद्र जी, ये देख लेते हैं अपन। 2 shares फॉर एवरी 5 shares acquired, तो ये तो आपका पूरा purchase consideration हो गया। ये पार्ट आई डोंट थिंक आपका डाउट है, आपका डाउट है उसके बाद impairment का allocation। Sun Limited has further legal professional obligation 1 lakh rupees जो आपके PL में चला गया। Fair value 1st July 2005 measure किया गया था 1.3 million। NCI को आपने initially fair value पे दिखाया था। Market value of share for this purpose no impairment of goodwill was seen। अब प्लूटो लिमिटेड के पास 3 cash जनरेटिंग यूनिट है ABC। ठीक है, व्हेन प्लूटो लिमिटेड अक्वायर्ड द डायरेक्टर्स ऑफ सन लिमिटेड एलोकेटेड गुडविल इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ABC तीनों में गुडविल 3:2:1 के रेशियो में एलोकेट किया गया था। आपको चाहिए क्या कि हमें गुडविल भी निकालना है? मॉडिफिकेशन वाला सम सर ने 30th December को अनअकैडमी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी उन्हें बताने के लिए, मेरे लिए थोड़ा सा काम आपने कम कर दिया, थैंक्स अ लॉट। आप अगर चाहते हैं कि अपने को गुडविल कैलकुलेशन भी इस क्वेश्चन में करना है तो मुझे बोल देना, अभी चैट में बता देना, अपन वो भी कैलकुलेशन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो, तो यहाँ पे, और हाँ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए यार। 103 क्वेश्चन नंबर 2 EPS वाला पॉइंट। ठीक है सुप्रीम जी, बस थोड़ी देर रुक जाइए, ये वाला मैं कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन देख लेते हैं। 2:2:1 के रेशियो में गुडविल को एलोकेट करना है। गुडविल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 260, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 260 डिवाइडेड बाय 5 × 2 104 52। ठीक है, ये हुआ आपका गुडविल का एलोकेशन। गुडविल कैलकुलेट करना है क्या, मेरे को बता देना। चलो, यहां पे अब मैं बोलूंगा ये हो गया 704, रिकवरेबल अमाउंट 740, कोई इंपेमेंट नहीं है। यहां पे हो गया 654, रिकवरेबल अमाउंट 650, तो मैं बोल सकता हूं 4 का इंपेमेंट लॉस है। कभी भी इंपेमेंट लॉस सबसे पहले गुडविल को एलोकेट किया जाता है, तो 4 अपन सीधा सीधा गुडविल को एलोकेट कर देंगे। चलिए, यहां पे हो रहा है 502, 400 का रिकवरेबल अमाउंट है, तो 102 का इंपेमेंट लॉस, 102 में से 52 गुडविल को एलोकेट कर देंगे, गुडविल का जितना शेयर है, बाकी का आपके सी को एलोकेट हो जाएगा 50 का लॉस। ठीक है, बस ये यहां पे दिया हुआ है। बिजनेस कॉम्बिनेशन के MTP May 19 में एक बड़ा वाला क्वेश्चन आया था, इफ यू रिमेम्बर, उसको एग्जाम के लिए करना है या इग्नोर कर सकते हैं? आई थिंक करना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सौरभ जी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करना पड़ेगा सौरभ जी, इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो ये देखिए यही पूरा का पूरा यहां पे समझाया हुआ है। अभी भी आपको डाउट है क्या मुझे बता देना। सन लिमिटेड वाई टेकन 400 ऑफ सी वाइल कैलकुलेटिंग इंपेमेंट लॉस, तो इसका कैरिंग अमाउंट ही 400 है ना यहां पे,
रिकवरेबल अमाउंट, सॉरी रिकवरेबल अमाउंट 400 है, इसलिए आप यहां से मत दिमाग लगाइए, मैंने उसका लॉजिक बताया। उन्होंने क्या किया, पहले एसेट के ऊपर 50 डाल दिया और फिर गुडविल का 52 अलग से इंपेयर कर दिया। एक्चुअल इंपेयरमेंट 102 है, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, ठीक है। कल लेते हैं सौरभ जी, क्योंकि अभी मेरे पास एमटीपी आरटीपी है नहीं, इसीलिए। चलो अगला क्वेश्चन आपका 103 को लेके, कुछ तो भी पूछा था ना अभी आपने, एक मिनट रुक जाइए। सुप्रीम जी का क्वेश्चन था 103 क्वेश्चन नंबर 2 ईपीएस कैलकुलेशन। चलिए 103 खोल देता हूं मैं, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, बिजनेस कॉम्बिनेशंस। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक आप टेस्ट योर नॉलेज में से ही बोल रहे होंगे मुझे। रजिस्ट्रेशन 6 क्वेश्चन नंबर 2, मैं टेस्ट योर नॉलेज पे चले जाता हूं। December 31 ए इशूज 2.5 शेयर इन एक्सचेंज फॉर, अच्छा वो लीगल सब्सिडियरी सब्सिडियरी, अच्छा ये समझ गया, रुक जाइए। इसमें ना एक लॉजिक समझ लीजिए पहले, नाम ए का होगा, सिर्फ ईपीएस बता रहा हूं, सिर्फ ईपीएस, बाकी सब भूल जाइए। नाम ए का है, जो फाइनल बैलेंस शीट बनेगी उस पर नाम ए का है, भले ही बी ने अक्वायर किया, नाम तो ए का है। अब ए ने कितने शेयर दिए, ए के शेयर देखिए, उसके 100 ऑर्डिनरी शेयर ऑलरेडी है, उसने 60 शेयर के बदले खुद के शेयर दिए थे 2.5, तो 60 इंटू 2.5 हो गया 150 शेयर्स, तो यहां 150 शेयर्स और बढ़ गए, आपके टोटल शेयर्स हो गए 250, समझ गए। बुक में गलत सॉल्व है, बुक को भूल जाइए, बुक में क्या लिखा हुआ है, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है यहां पे 800, तो आप प्रेजेंट करोगे ईपीएस के लिए, पहले तो वेटेड एवरेज शेयर्स निकालना है, वेटेड एवरेज 800 डिवाइडेड बाय 100 शेयर्स साल भर के लिए आउटस्टैंडिंग, प्लस आपने 150 शेयर्स इशू किए थे, आई थिंक कब इशू किए थे, ये कब अक्वायर किया आपने, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को आपने अक्वायर किया है, तो इंटू 9/12 इंटू 3/12, सॉरी नॉट 9/12, 3/12, जैन फेब मार्च 3 महीने, 3/12 ऐसे वेटेड एवरेज लेंगे, आई होप आप समझ गए, ठीक है। ये ईपीएस कैलकुलेशन होगा, शेयर्स पूरे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। इंडियस 19 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 इंडियस 19, गजेंद्र जी आई थिंक टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है। इंडियस 19 ओपन करता हूं मैं, एम्प्लॉई बेनिफिट, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इलस्ट्रेशन 6, अरे 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 पीछे पीछे पीछे, एसर लिमिटेड हैज 350 एम्प्लॉइज, एवरेज स्टाफ एट्रिशन ऑब्जर्व्ड है 6% पर एनम, बराबर नई बुक से ही बोला ना गजेंद्र जी आई थिंक। चलिए, पेड वकेशन है 10 डेज रिगार्डलेस ऑफ हायरिंग, कंपेंसेशन ऑफ पेड वकेशन है 100% ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी कुछ नहीं कटती है, पूरा का पूरा पैसा दिया जाता है। ऑन 31 मार्च अनयूज वकेशन कैरीड फॉरवर्ड है 3 पर एम्प्लॉय, एवरेज सैलरी है 15,000 रुपये पर डे, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंस है 2000-2001 का 65 लाख रुपीज़ का, 65 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग 1-2 एम्प्लॉइज टुक 9 डेज ऑफ वकेशन इन एवरेज, इंक्रीज इन सैलरी है 10% पर एनम, हाउ विल द एंटिटी रिकॉग्नाइज द सेम। चलिए आइए इसको कोशिश करते हैं करने की, आपके पास 350 एम्प्लॉइज है सेम एज ईयर एगो, एवरेज एट्रिशन सेम एज ईयर एगो का मतलब है अपन मेंटेन करते हैं 350 एम्प्लॉइज, एवरेज एट्रिशन है 6% एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाते हैं, तो इस साल देखो अगर इस साल की बात करूं तो 350 में से कुछ एम्प्लॉई छोड़ के चले गए होंगे ना, कैलकुलेशन यहां कहीं दिया हुआ है शायद, एक मिनट, नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, 350 में से 6% एम्प्लॉइज तो मेरे को लगता है कि छोड़ के चले जाएंगे, 6% अगर मैं हटा दूं तो 329 एम्प्लॉइज होते हैं, और बाकी अपने 21 नए एम्प्लॉइज अपन ला देंगे, क्योंकि अपन मेंटेन करते हैं 350 एम्प्लॉइज, ये सेम एज ईयर एगो से अपने को ये बात समझ में आती है,
ठीक है स्वाति जी रुक जाइए जरा सा। एसर लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग बेनिफिट टू ऑल द एम्प्लॉयज़। पेड वकेशन, 10 डेज के पेड वकेशन देते हैं अपन, ठीक है। कंपेंसेशन फॉर पेड वकेशन है 100% ऑफ द सैलरी। 31 मार्च 2001 अनयूज कैरी फॉरवर्ड थे 3 पर एम्प्लॉय, 3। तो इसके पैसे तो देना ही है, 15,000 पर डे। और अक्रूड एक्सपेंस फॉर अनयूज वकेशन 65 लाख रुपीज ऑलरेडी दिख रहा है आपके बुक्स में। इस साल 9 छुट्टियां ली गई है एवरेज में, 10 दिन रहती है, यानी एक दिन बच गया। अब ये एक दिन का अपने को बेनिफिट ये 329 एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा, इनफैक्ट पूरे 350 एम्प्लॉयज, पूरे 350 एम्प्लॉयज को, ठीक है। सैलरी 10% से बढ़ रही है, तो 15,000 में अगर मैं 10% ऐड कर दूं तो वो हो जाएगा 16,500। अब देखिए अनयूज वकेशन पुराने 3 है, इस साल का एंटाइटलमेंट 10, टोटल 4 बचे हैं। पुराने वाले जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 94%, यानी 329 डेज से, 329 एम्प्लॉयज से, बराबर। मैंने 5% माइनस करके किया था, इनकी इस बार की एक दिन की छुट्टी और पुरानी 3 दिन की छुट्टी, टोटल 1316 मैन डेज। और जो नए एम्प्लॉयज आए हैं इस बार 21, जो मैंने अभी आपको बताया 21, उनको सबको एक दिन की छुट्टी का पैसा मिल जाएगा ना, क्योंकि वो तो इसी साल है, उनका कैरी फॉरवर्ड सिर्फ एक दिन मिलेगा, पुराना तो उनका मिलेगा नहीं। तो एक दिन के हिसाब से 21 मैन डेज, तो 1316 और 21 मिला के 1337 मल्टीप्लाइड बाय 16,500, 16,500 टोटल इतना दिखना चाहिए। ऑलरेडी लास्ट ईयर का 65 लाख है, डिफरेंस का प्रोविजन अभी कर रहे हैं। बताइए समझ में आया क्या गजेंद्र जी। ड्यूटी ड्रॉबैक वाला क्वेश्चन, एप्लीकेशन 15 डेज ड्यूबैक एडजस्टिंग, नहीं स्वाति जी वो नॉन एडजस्टिंग है। वो वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या बोला गया है कि वो 15 दिन के अंदर आपको कंप्लायंस करना था, आपने किया नहीं, ये नॉन कंप्लायंस 30 रिपोर्टिंग डेट के बाद हुआ है, रिपोर्टिंग डेट के बाद नॉन कंप्लायंस हुआ है, इसलिए वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है स्वाति जी। चलिए ऋषिका जी का कहना है, सर डीबीओ डीपीए इंडियस 19, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड गेट एक्चुअरियल लॉस। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं ऋतिका जी फट से, एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल सा एक कंसेप्ट कीजिए, मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। ये वाला देख लीजिए, यहां आपको प्लान एसेट्स का फेयर वैल्यू दिया हुआ है 10,000 रुपए, प्लान ऑब्लिगेशन का 12,000 रुपए। एग्जाम में क्या करना है मैं बताता हूं, रुकिए मैं एकदम सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, ये टेक्निक आप लोगों के बहुत काम आ जाएगी। पहले कॉलम में लिखना डिफाइंड प्लान एसेट, दूसरे वाले में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, और फिर लिखना नेट, ठीक है। पहले वाले टेबल के ऊपर एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट। नेहा जी मुझे समझा नहीं आपका सवाल किस चीज को लेके है, नेहा जी आपका डाउट मुझे नहीं समझा, एक बार वापस से भेजिए, मुझे नहीं समझा बैलेंस शीट डेट का क्या है। मैं पहले लिख देता हूं ओपनिंग, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 10,000 12,000, प्लान एसेट के 10,000, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के 12,000, दोनों का डिफरेंस आ रहा है -2,000, मैं -2,000 यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। चलो कॉन्ट्रीब्यूशन आया 3,000 रुपये, कॉन्ट्रीब्यूशन से आपका डिफाइंड बेनिफिट बढ़ता है, बराबर। तो आप यहां पे 3,000 रुपये ऐड कर देंगे, यहां इसका कोई इंपैक्ट नहीं आया, नेट पॉजिटिव 3,000 रुपये। अमाउंट आपने इस बार पे किया है 300 रुपये, तो ये जो बेनिफिट, ये जो आपने पे किया है, ये तो आपने वो बेनिफिट्स पे आउट किए होंगे, बेनिफिट्स पेड होंगे, तो प्लान एसेट कम हो गया, सीधी बात है लाइबिलिटी भी उतने से कम हो जाएगी, ठीक है। स्वाति जी एक मिनट रुक जाइए, नेट अब 31 मार्च को आपको क्लोजिंग दिया हुआ है 14,700, मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं 14,700, ठीक है। एक्चुअरियल रिटर्न ऑन प्लान एसेट 2,000 यहां पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अदरवाइज ये नेट फिगर निकल जाता है, ये अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे नेट आएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 15,500 है ईयर एंड पे, यहां पे 15,500, तो 14,700 माइनस 15,500 अगर मैं करूं तो 800 नेगेटिव आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। एक्चुअरियल लॉस इस क्वेश्चन में दिया है, अदरवाइज वो नेट फिगर होता है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नेट फिगर निकल जाएगा, सो डोंट वरी। मैं यहां पे एक्चुअरियल गेन एक्चुअरियल लॉस लिख देता हूं, पहले केस में रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स है, एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स 2,000, मैं यहां पे इंटरेस्ट लिख देता हूं, आपको 2,000 का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। डीबीओ अभी पता नहीं है हमको, और यहां पे आपको एक्चुअरियल लॉस बोला गया है 100 का, 100 का लॉस बोला गया जो हम जनरली नेट फिगर ले लेते हैं, ठीक है। चलो
करंट सर्विस कॉस्ट है 2500, यहाँ लिख देता हूँ करंट सर्विस कॉस्ट, ये लाइबिलिटी को बढ़ाता है 2500, ठीक है, नेगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, दोनों का डिफरेंस नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स पे किया आपने 300 के, ये तो मैं लिख ही चुका हूँ, नेट ऑफ भी कर दिया मैंने, डिस्काउंट रेट 10%, चलो यानी कि जो इंटरेस्ट है वो 10% से आना चाहिए, 10% जनरली ओपनिंग पे रहेगा 1200। चलिए देखिए 12000 माइनस 300 प्लस 1200 प्लस 2500 15400, इसमें 100 ऐड कर देता हूँ 15500, ये 100 इन्होंने नहीं दिया रहता तो ये वैसे भी नेट आपको आ ही रहा था, ये 100 अगर वो आपको नहीं देते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है ये पूरे का टोटल आ रहा है 15400, ये है 15500, तो देख लो आपको 100 का लॉस हो गया, 100 का लॉस हो गया वो एक्चुअरियल लॉस है। यहाँ अगर आप पढ़ेंगे डिफाइंड प्लान एसेट 10000 प्लस 3000 माइनस 300 प्लस 2000 तो बराबर 14700 ही आ रहा है, कोई डिफाइंड कोई एक्चुअरियल गेन एक्चुअरियल लॉस नहीं है, ये एक्चुअरियल लॉस आप OCI में दिखाते हैं। अब देखिए ये इंटरेस्ट का नेट फिगर 800 आप PL में दिखाते हैं, करंट सर्विस कॉस्ट PL में दिखाते हैं, 800 इंटरेस्ट इनकम में गया, 2500 एक्सपेंस में गया, बस हो गया, और ये OCI में जाता है, बस इतना याद रखना है। आई होप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। अरे यार हाँ, अब कुछ क्वेश्चन पूछे थे, एक तो स्वाति जी ने पूछा था एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट ना और व्हाट नॉट एविडेंस हो गया, या फिर हमने 31 मार्च तक टर्नओवर पता चल गई थी कंडीशन एग्जिस्ट करी थी। स्वाति जी गवर्नमेंट ग्रांट आप तभी दिखा सकते हैं, आपका क्वेश्चन गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, एक उससे रिलेटेड ऑब्लिगेशन आपने फुलफिल कर दिया, पहली बात उससे रिलेटेड ऑब्लिगेशन आपने फुलफिल कर दिया, दूसरा ग्रांट मिल जाएगी अश्योर्ड है, ग्रांट मिल जाएगी ये अश्योर्ड है, पर आपने ऑब्लिगेशन कहाँ फुलफिल किया, वो 15 दिन वाला, 15 दिन वाला, 15 दिन के अंदर आपको गवर्नमेंट को लेटर लिख के दे देना था, 31 मार्च जो रिपोर्टिंग डेट है तब तक आपने किया ही नहीं ना ऑब्लिगेशन फुलफिल, 15 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट करने वाला, और उसमें आपने डिले कर दिया, तो इट इज बेसिकली अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसका एडजस्टमेंट होगा ही नहीं बैलेंस शीट में, हम उसको दिखाई नहीं सकते ऐसे इनका, भले ही गवर्नमेंट ने बाद में अप्रूव कर दिया था, आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की थी, लॉजिक ये था स्वाति जी उसका। ठीक है सर, आपने इंडिया 33 का इलस्ट्रेशन 2 एंड टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ न्यूसम, बस अब मैं इंडिया 33 पे आ जाता हूँ। चलो इंडिया 33 कहाँ है, ये रहा इलस्ट्रेशन 2, इन्होंने बोला है आपको रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आपको दिए हुए हैं, डिविडेंड है, ड्यूटी ड्रॉबैक इन इंडिया 10 एंड इंडिया 37। हाँ नेहा जी अभी क्लियर हो गया होगा ना, अभी समझा है ना, नहीं समझा अभी भी, डिविडेंड वॉज पेड 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख रुपए के आपके प्रेफरेंस शेयर है उसके ऊपर 5%, ठीक है उसके ऊपर 5%। फिर बोल रहे हैं इंक्रीसिंग रेट क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट 2000 क्यूमुलेटिव रेट ऑफ डिविडेंड 10%। अब एक बात याद रखिए, अगर क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है क्यूमुलेटिव, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड और नॉट, ईपीएस कैलकुलेशन के लिए इसको रिड्यूस करते ही हैं, ठीक है, तो इसका जो भी अमाउंट होगा, जैसे 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए के ऊपर 10% 20000 रुपए, 20000 रुपए का डिविडेंड हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ये पक्का है। आपका डाउट ये इंटरेस्ट को लेके होगा, 18000 ये कैसे आया, इन्होंने क्वेश्चन में कुछ डेटा नहीं दिया, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिविडेंड 10% है तो 10% का आपको हर साल करना ही होगा। हाँ ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट ग्रांट होता है ना नेहा जी, गवर्नमेंट ग्रांट है भाई, गवर्नमेंट आपको ड्रॉबैक दे रही है वापस से ड्यूटी का, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट है, सिंपल कहानी है, ठीक है। इंडियस 10 तो डील करेगा ही, 10 एंड इंडियस 21 कंबाइंड क्वेश्चन है, 37 डील नहीं करेगा इससे, ठीक है। आई थिंक वो क्वेश्चन दो जगहों पे रिपीट किया हुआ है, इंस्टीट्यूट ने दो जगहों पे एंड में ये क्वेश्चन रिपीट किया है, 8% नॉन रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये 8% का डिविडेंड दे रहे हैं, उन्होंने लिखा है हाँ, देखिए नेहा जी इंडिया 37 एंड 10 के हिसाब से आंसर क्यों किया जा रहा है, आप अभी भी लॉजिक नहीं समझ रहे उसका,
ये है 31 मार्च ईयर एंड, ठीक है। ये वो पीरियड है जब आपको एक टर्नओवर की लिमिट एक्सीड करना था, अगर आपने वो टर्नओवर की लिमिट एक्सीड कर दी तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, ऐसा ही कुछ तो क्वेश्चन था। पर आपको 15 दिन के अंदर अप्लाई करना था गवर्नमेंट ग्रांट में, दो कंडीशन गवर्नमेंट ग्रांट, आप कंडीशन गवर्नमेंट की जो है वो फुलफिल कर दो तो रिसीवेबल एंड रिसीवेबल हो जाएगा, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहां तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, मोर ओवर आपने 15 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया, तो 31 मार्च को तो ये कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी ना, तो ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया ना। 15 दिन की कंडीशन फुलफिल तो कीजिए, फिर आप बताइए एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। हाँ, अगर आप ये 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देते, आप 15 दिन के अंदर अप्लाई कर देते तो मैं बोल देता ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन फुलफिल कर दी इससे पहले की बैलेंस शीट साइन होती, तो लॉजिक बैठता है इंडिया एस10 का, अब आपका नहीं बैठा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। ये फंडा है, ये फंडा है। अभी समझा क्या नेहा जी, बताइए, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में ना मेरे पास कुछ खास बताने के लिए है नहीं आपको स्वाति जी, और ये क्वेश्चन इग्नोर कीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है ये। ये जो अमोर्टाइजेशन है ना, ये कंसेप्ट इंस्टीट्यूट ने अच्छे से नहीं समझाया। यहाँ पे सिंपली उन्होंने अज्यूम कर दिया 18,000, मैंने आपको लॉजिक बताया उसका, 18,000 रिड्यूस करने पड़ेंगे। जहां क्यूमुलेटिव वर्ड लिया है वहां रिड्यूस करना है, जहां क्यूमुलेटिव वर्ड नहीं है वहां पर रिड्यूस नहीं करना है। आपका दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, मैं उस पर आ जाता हूँ, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 5। सब्सी का प्रॉफिट दिया हुआ है, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, संभल के पढ़िएगा। 12,000 रुपए का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग है 10,000, तो पेरेंट का बेसिक ईपीएस 1.2 है, ये अपन बोल सकते हैं। यहां पे सब्सी के 800 शेयर आपके पास है, सब्सी के प्रॉफिट की बात करते हैं। 5,400 का प्रॉफिट है, 1,000 ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो मैं बोलूंगा उनका बेसिक ईपीएस 5.4 है, ठीक है। वारंट उनके 150 आउटस्टैंडिंग है, एक्साइज प्राइस 10.20, ये डाइल्यूटिव ईपीएस के काम आएगा। कन्वर्टेबल 400 ईच कन्वर्टेबल इनटू वन ऑर्डिनरी शेयर, डिविडेंड 1 रुपए का है आपका, नो इंटर कंपनी एलिमिनेशंस एंड एडजस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। अब मैं कंसो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि क्या हुआ होगा। डिविडेंड के बारे में कुछ तो बोला गया था आई थिंक, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 1 रुपए, या तो मान लो क्यूमुलेटिव है तो डिविडेंड को हम लोग दिखा देंगे, या मान लो नहीं है तो फिर नहीं दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल मैं कंसो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। मुझे नहीं आएगा इंस्टीट्यूट आपको एनसीआई के साथ क्वेश्चन अगर पूछ ले रिवर्स एक्विजिशन का, तो बाकी सब कब पूछेगा, अभी तो मॉड्यूल के क्वेश्चन पूरे नहीं पूछे। जैन 21 का टेंशन मत लीजिए, मई 21 से टेंशन लेना शुरू कर दीजिए, मई 21 से जबरदस्त लेवल बढ़ाएगा इंस्टीट्यूट। जैन 21 टेंशन मत लो कि एनसीआई भी पूछ लेगा आपको। चलो, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000 1.2, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होल्डिंग 5,400 डिवाइडेड बाय 1,000 शेयर्स 5.4, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट 12,000, ये डिविडेंड एक्सक्लूडिंग एनी अर्निंग ऑफ डिविडेंड पेड बाय द सब्सी, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं ये प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है, ये 1 रुपए का डिविडेंड मैं ले लूंगा, ये 1 रुपए का डिविडेंड लेना है अगर 300 पे, तो यहां पे आपको 12,300 लेना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कंसो में 12,000 प्लस 300 प्लस यहां 5,100 ले लेंगे, 5,100 में आपका अधिकार 80%, 5,100 में आपका अधिकार 80%, 4,080, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से होल्डिंग के आते हैं 10,000, ये दिखाना है, ठीक है। एक मिनट, यहां पे प्रेफरेंस शेयर टोटल 400 है, तो ये 4,000 आएगा, ये 4,000 आएगा, क्योंकि 300 का आपको मिल गया, 300 आपको मिल गया सब्सी का, या तो यहां 5,000 ले लो,
आप समझ रहे हैं, 500 पॉसिबल है, 5000 लेना, प्रेफरेंट डिविडेंड माइनस करेंगे ना। देखो मैं बताता हूं, बेसिक ईपीएस 5400 में से 400 का डिविडेंड माइनस किया, डिवाइडेड बाय 1000, बराबर। मतलब आप क्यूमुलेटिव मान रहे हो या नॉन क्यूमुलेटिव, उस पर डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड का क्या एडजस्टमेंट करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप यहां तक क्लियर है। 12000 प्लस 300 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 10000, ये हो जाएगा 1.63। अब आते हैं डाइल्यूटेड पे, और डाइल्यूटेड का कंसेप्ट ना अच्छे से समझ लेना। चलो क्वेश्चन पे आ जाता हूं। ये आपको बोल रहे हैं कि देखो अपने पास तो 800 शेयर्स है, पर आगे जाके शेयर वारंट इशू हो सकते हैं। अगर शेयर वारंट इशू हुए तो 10 रुपए पे इशू होंगे, जबकि मार्केट प्राइस 20 है। आप इशू तो कर रहे हैं पर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। इसको पढ़ने का दूसरा तरीका देखिए, कुछ शेयर फ्री दे रहे हैं, कुछ शेयर के पैसे ले रहे हैं। अपने को फ्री वाले निकालना है क्योंकि वो डाइल्यूट करेंगे। लॉजिक समझिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको। 150 आउटस्टैंडिंग है जिनसे हर एक से 10 रुपए लेंगे शेयर वारंट से, यानी 1500 लेंगे। वो लोग आपको 1500 रुपीज देंगे। मार्केट प्राइस तो 20 रुपए, मार्केट प्राइस 20 रुपए। अगर मैं इसे इसी अमाउंट को 20 रुपए से डिवाइड करूं, 20 रुपए से, तो ये हो जाएंगे 75 शेयर्स। मतलब हम 75 शेयर्स के पैसे ले रहे हैं और 75 शेयर्स हम फ्री दे रहे हैं। 75 शेयर्स के पैसे ले रहे हैं और 75 शेयर्स हम फ्री दे देंगे। जो फ्री देंगे वो डाइल्यूट करेगा। अब मैं आपकी होल्डिंग निकालता हूं। आपकी होल्डिंग कैसी हो जाएगी? आपकी होल्डिंग है फिलहाल 800, कितने में से? 1000 में से। अब ये जो डाइल्यूट करेंगे वो 75 है, पूरे नहीं लेना है, जो डाइल्यूट करेंगे वो 75 है। उसमें से आपको कितने मिलेंगे? 30 है आपके पास। इसमें से 15 डाइल्यूट कर रहे हैं, 150 में से 75 डाइल्यूट कर रहे हैं, तो 30 में से 15 डाइल्यूट करेंगे तो आपकी शेयर होल्डिंग भी तो 15 से बढ़ेगी ना, आपकी होल्डिंग भी 15 से बढ़ेगी। आई होप आप लॉजिक समझ पा रहे हैं यहां पे, ठीक है। 150 में से 75 डाइल्यूट करेंगे तो ये भी डाइल्यूट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई एनएफआई गुडविल इज नॉट टेकन। रुक जाइए मोहित जी, इसको पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं। चलो अब इसके बाद में हम आते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को, 400 जो कि कन्वर्ट होंगे, उसमें से 300 तो आपको ही मिलेंगे, तो आपके शेयर 300 से बढ़ जाएंगे, ओवरऑल शेयर 400 से बढ़ जाएंगे, बराबर है। ईच कन्वर्टेबल इंटू वन शेयर, और बस ये आपकी रिवाइज होल्डिंग है। 800 प्लस 15 प्लस 300 यानी 1115 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 75 प्लस 400, 1475। सेवेंटी 75.59% या इन शॉर्ट 76% भी बोल सकता हूं मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 75.6% मतलब 75.6%। तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में हमारी अर्निंग हो जाएगी 12000, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंट डिविडेंड उसके बाद जाएगा नहीं, प्लस सामने वाले की अर्निंग 5400 का हमको 75.59% मिलेगा, डिवाइडेड बाय हमारे नंबर ऑफ शेयर्स तो अभी भी 10000 ही है, तो 4081 प्लस 12000, 16081 डिवाइडेड बाय 10000, 1.608। यही वहां दिया है, वहां दिखाने का तरीका कुछ और है, लॉजिक यही है। ये देखिए इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से दिखाया है, प्रेजेंटेशन यही है, कंसेप्ट यही बनेगा, ठीक है। आई होप स्वाति जी आप समझ गए होंगे। मोहित जी कहता हूं, इंपेमेंट टेस्ट, इंपेमेंट का टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मोहित जी का ये वाला क्वेश्चन देखता हूं मैं। गजेंद्र जी का कहना था, ओसीआई में रिसाइकल्ड एंड नॉट रिसाइकल्ड आइटम अकाउंट एंड कंसेप्ट बता दीजिए। गजेंद्र जी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपन ने एक वीडियो लेके रखा है, वहां पे अपन ने डिस्कस किया है गजेंद्र जी, ठीक है, वहां पे देख लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। बेसिक ईपीएस कंसो, स्वाति जी बेसिक ईपीएस कंसो तो मैंने बताया ना स्वाति जी आपको, ये देखो ना बेसिक ईपीएस
12,300 रुपये उसमें प्रिफरेंट डिविडेंड और 5,000 का प्रॉफिट का 80% आपका शेयर 4,000, ठीक है? नाइट में नहीं, कल लेंगे स्वाति जी, बाकी के कल लेंगे। चलो अपन यहाँ पे आ जाते हैं। पेरेंट अक्वायर्स 80% ओनरशिप इंटरेस्ट इन सब्सिडियरी 2,100 1 अप्रैल 2001। सब्सिडियरीज नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स हैव अ फेयर वैल्यू 1,500, ठीक है? तो 80% अक्वायर किया है 2,100 में और उसके नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स है 1,500। आप प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट पे मेजर कर रहे हैं तो 2,100 का पीसी एनसीआई प्रोपोर्शनेट, 1,500 का 20% माइनस 1,500, इतने का आपने गुडविल दिखा दिया होगा। एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज क्या होती है? कमोडिटी ट्रेडिंग जो होती है वो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज होती है। जो फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर मार्केट के अंदर में आप जो ट्रेडिंग करते हो कमोडिटीज में, उनको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज, ठीक है? 900 ये गुडविल हो गया। पेरेंट चूजेस टू मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट। एसेट्स ऑफ सब्सिडी टुगेदर विद स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप आपको पूरा दिया हुआ है। कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ पेरेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट। गुडविल ऑफ 500 रिलेट्स टू सिनर्जी फ्रॉम एलोकेटेड बेनिफिट। ये बोलते हैं कि ये जो 900 का गुडविल है, 900 के गुडविल में से 500 एलोकेट हो रहा है होल्डिंग कंपनी को, यानी बचा हुआ 400 एलोकेट हो रहा है सब्सी को। इसका लॉजिक अभी इग्नोर कीजिए, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था एक क्वेश्चन के अंदर में जो आप लोगों का स्टाफ फॉर स्टडी में था। अभी अपने को क्या फटाफट कंप्लीट करने का है तो अभी उसका टेंशन मत लो, ठीक है? नहीं स्वाति जी, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज का 31 मार्च के पहले के एडजस्टमेंट्स एनआरवी का पार्ट होते हैं, 31 मार्च के बाद उनमें जो फेयर वैल्यू चेंजेस आते हैं वो एनआरवी का पार्ट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है? चलो अब यहां पे वो बोल रहा है रिकवरेबल अमाउंट सब्सी का 1,000 है और उस दिन कैरिंग अमाउंट 1,350 था एक्सक्लूडिंग गुडविल। अभी वाई इग्नोर कीजिए स्वाति जी, आपको एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज एग्जाम में नहीं पूछ रहे हैं, इंडिया टू इरेलीवेंट ही नहीं एग्जाम के लिए, आप उसके पीछे क्यों मेहनत कर रहे हैं? एग्जाम के लिए एकदम इरेलीवेंट है एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज। कैरिंग अमाउंट 1,350, गुडविल 400, पूरा 900 नहीं लेना है, सिर्फ 400, 1,750 पर ये ना, सिर्फ आपका शेयर ऑफ गुडविल है, सिर्फ आपका शेयर ऑफ गुडविल है, ठीक है? अब अपने को वैल्यूएशन के लिए देखना है कि टोटल गुडविल कितना है। टोटल गुडविल क्या होता है, मैं अगर यहां पे बताऊं, ये जो 900 आया था, मैं इसका अगर आपको बताऊं कि 1,500 के नेट एसेट्स है, 1,500 का 80% आपका हिस्सा है, आपका शेयर है 1,200, ये 1,200 खरीदने के लिए आपने 2,100 दिए, तो जो आपने गुडविल निकाला उसे होल्डिंग का शेयर निकाला है, एनसीआई का शेयर आपने यहां पे निकाला ही नहीं है, एनसीआई का यहां पे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है? अब ये हो गया 80%, 480% हो गया, ठीक है? तो मैं बोलूंगा कि एक्चुअल गुडविल कितना है, एक्चुअल गुडविल है 500। हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, अकाउंटिंग नहीं कर रहे, ध्यान रखिए, सिर्फ कैलकुलेशन अकाउंटिंग नहीं कर रहे। तो मैं बोलूंगा कैरिंग अमाउंट 1,350 है, गुडविल एक्चुअल में 500 है, दोनों मिला के 1,850 हो जा रहा है। और आप बोल रहे हो रिकवरेबल अमाउंट 1,000 है, बराबर है? तो हम देख सकते हैं कि इंपेमेंट लॉस 850 का है। पहले गुडविल को एलोकेट कीजिए 500 और बाकी का एसेट्स को एलोकेट कर दीजिए 350, समझ गए? अब यहां पे दिमाग लगाते हैं, इसका 80% हुआ 400 और 20% हुआ 100, इसका 80% 280 और 20% 70, समझ गए? ये दोनों होल्डिंग को एलोकेट हो जाएंगे, होल्डिंग के प्रॉफिट में से कम करेंगे इंपेमेंट लॉस, एसेट में से पूरा 350 लेस हुआ, ठीक है? एसेट में से पूरा 350 लेस हुआ और होल्डिंग को एलोकेट हुआ गुडविल का लॉस 400, एसेट का लॉस 280, एनसीआई को एसेट का लॉस 70 एलोकेट हुआ, 70 ये एलोकेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अकाउंट ही नहीं हुआ है, जो अकाउंटेड है ही नहीं उसका इंपेमेंट लॉस कैसे बुक करोगे, अकाउंटिंग कैसे करोगे जो दिख ही नहीं रहा बुक्स में? ये तो हमने वैल्यू किया ना, ये तो दिख ही नहीं रहा, इसीलिए इसकी अकाउंटिंग होगी नहीं। तो लॉस भली यहां 850 दिख रहा है, अकाउंटिंग 750 की होगी, 400 का इंपेमेंट लॉस गुडविल को गया, सिर्फ होल्डिंग को, सिर्फ होल्डिंग को, उसमें एनसीआई को कुछ एलोकेट नहीं होगा,
और बाकी का 350 दोनों में एलोकेट होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए, आई होप ऑलमोस्ट हमारे सभी लोगों के पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए थे। किसी और का और कोई क्वेश्चन रह गया क्या मेरी तरफ से? इम्पेमेंट टेस्ट हो गया मोहित जी का। चलिए, तो अभी भी मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप लोगों के डाउट्स। ठीक है, मैं अवेलेबल रहूँगा, व्हाट्सअप करते रहिए डाउट। कल एमटीपी आरटीपी के सारे डाउट ले लेते हैं, मैं पूरे के पूरे डाउनलोड करके रखूँगा। बाकी जो भी आप लोगों को डाउट भेजना है भेजते रहिए, अपन सब डिस्कस करेंगे। बाय चांस मैं आपको यहाँ रिप्लाई नहीं करता हूँ व्हाट्सएप पे, मैंने अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, 101 हिमांशु जी, 101 के बारे में मैं आपको एक बताता हूँ, सिर्फ टेस्ट योर नॉलेज के जितने क्वेश्चंस हैं अभी के लिए मैं यही बोलूंगा रट लो। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो लेके रखा है, एडेड क्वेश्चंस इंडियस 101, उतने क्वेश्चन रट लो, बस उसके ऊपर दिमाग मत लगाइए, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि अभी कंसेप्ट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। वैसे एक बात याद रखिए, उसमें जो डिफरेंस आएगा सब रिटेन अर्निंग में चले जाएगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एट ऑल। ठीक है, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। सिर्फ टेस्ट योर नॉलेज इंडिया 101 एंड में जो क्वेश्चन दिए उसके अलावा और कुछ मत पढ़िए, 7 या 8 क्वेश्चन है बस उतना पढ़िए। ठीक है, चलो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अगर मैंने डाउट सॉल्व नहीं किया तो मैं कल लाइव सेशन लूंगा, वापस से कल सॉल्व कर लूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। चलिए, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।